गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है हमारा इस होटल में लास्ट डे। पार्क रेगिस होटल में पिछले 4 दिनों से हम लोग थे भाई, मतलब मस्त होटल है। मेरा ये दुबई में पहला होटल है, इसके अलावा मैं किसी होटल में नहीं रुका। लेकिन इनका जो सर्विस है ना, स्पेशली इनका ब्रेकफास्ट बुफे कमाल का है। अभी हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अपने दूसरे होटल के लिए जो की डाउनटाउन में है, एड्रेस स्काई व्यू। और वो कैसा है होटल, क्या है क्या नहीं है, वो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, फिर जल्दी से भागना भी है। होप कि आप लोगों को मेरा ये दुबई सीरीज अच्छा लग रहा हो। अगर सच में अच्छा लग रहा है मेरा ये दुबई सीरीज तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मम्मी गई है अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो मैंने ऑमलेट ले लिया है। एक्चुअली देखो, ये नाम का ब्रेकफास्ट होता है, यहाँ मैं कर लेता हूँ अपना पेट भर के लंच भी, दोपहर में भूख ना लगे। तो हाँ देख लो, ये इडली वगैरह मैंने ले लिया है। बाकी बाहर के नजारे देख लो, उस वाले साइड में दुबई फ्रेम। चलो जी, अब टाइम हो गया ये वाले होटल को चेकआउट करने का। अभी बस चेकआउट करने वाले हम लोग। मम्मी उधर लिफ्ट बुला रही है, होप कि कुछ छूटा ना हो। फाइनली अभी हम लोगों ने पार्क रेगिस को चेकआउट कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एड्रेस स्काई व्यू, जहाँ टैक्सी है वो हमें पिकअप करने के लिए आ गया। तो एक काम करते हैं, एक ही बार पहुंच के वहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इतने दिन से इस होटल में थे, ये होटल कैसा लगा? सबसे अच्छा क्या लगा इस होटल का? सबसे अच्छा तो देखो अच्छा ही लग रहा, सर्विस भी अच्छा है यहाँ का, होटल भी अच्छा था, रूम भी अच्छा। सबसे अच्छा इधर सर मैं बताऊँ आपको? जी बताइए। इधर इंडियन रेस्टोरेंट साथ में है सब। हाँ हाँ, सारा इंडियन रेस्टोरेंट इस वाले एरिया में। यहाँ भी हम लोग घूमने जा रहे हैं तो सब मिल ही जा रहे हैं। ये जो रोड है, हाँ हाँ, ये करामा, हाँ ये बरदुबई है। अच्छा, ये वाला बरदुबई साइड है। सिग्नल आगे क्रॉस करते हैं तो फिर वो आगे लेफ्ट साइड में पूरा मीना बाजार और वो मेन। हाँ, मीना बाजार तो मैं कल गया था। एक्चुअली जो हमारा होटल है पार्क रेगिस, वो अल करामा वाले साइड में पड़ता है, और वहाँ पे भाई इंडियन रेस्टोरेंट का पूरा भरा हुआ है इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे पास में ही यहाँ पे मैंने देखा 56 भोग भी था, जस्ट हमारे होटल के 2-3 बिल्डिंग छोड़कर 56 भोग था, प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको इंडियन खाना ही पसंद है, लाइक अगर आपको इंडियन टेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये भी एक चीज है जिधर आप रह रहे हैं जी, ये बहुत अच्छा चॉइस किया। हाँ हाँ, क्योंकि लोग उधर वाईफाई एरिया में चले जाते हैं। हाँ हाँ, फिर वो बोलते हैं हमें तो उधर का खाना नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा इंडियन। वाईफाई एरिया मतलब कौन सा? डाउनटाउन जिधर अभी जा रहे हैं आप। अच्छा डाउनटाउन। हाँ हाँ, ये सर पूरा ओल्ड दुबई है। ये ओल्ड दुबई हो गया ना। ये मीना बाजार और गोल्ड सुख मार्केट, वो दे रहा है जो गोल्ड सुख मार्केट वाला एरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मीना बाजार ये बर दुबई है, वो बीच में पानी है। हाँ हाँ, बीच में पानी है। तो आप तो वो दरिया पार करके हम लोग गए थे एक धीरम में। एक एक धीरम लेते हैं वो कश्ती वाले। कश्ती वाले हाँ, वो उधर किनारा छोड़ देते हैं, एक पानी में सैर भी हो जाता है। इधर जिधर भी जो स्ट्रीट में जाएंगे ना, ये सर जो करामा है, वैसे तो बर दुबई भी वो मीना बाजार इंडिया ही है सब, लेकिन ये जो करामा है ना ये तो प्यार इंडिया है। दूसरा सर ये है, आप तो कितने दिन हो गए सर आपको? मेरा आज 5वां दिन है शायद। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको बहुत सारी मालूमात हो गई होगी। हाँ हाँ, बहुत सारी। वैसे आपको बता दूं, ये दुबई माल और माल ऑफ दी एवरेस्ट छोड़ के इधर जितना ही बिजनेस है ना, ये आउट कंट्री लोगों का। अच्छा, मोस्टली इंडियन लोगों का। कोई शॉपिंग मॉल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, ग्रोसरी है, लॉन्ड्री है, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट पाकिस्तानी भी बहुत है, बहुत सारे। हाँ, ये वाला हो गया अपने होटल का साइड, देख लो लाइन से यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लाइक अमृतसर और भी बहुत सारा है, देख लो कुलचा किंग, यहाँ पे प्योर वेज। तो यहाँ पे प्योर वेज, नॉन वेज, हर टाइप का इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको। अगर आपको इंडियन खाना खाना पसंद है तो आप पार्क रेगिस को चूज कर सकते हो। कनेक्टिविटी भी मैं देखा ठीक ठाक है यहाँ पे। अच्छा, तो मेन सीजन, पीक सीजन कब होता है दुबई का? सर नेक्स्ट महीने चालू हो जाएगा। अच्छा, फिर मई तक। तुम लोग खाली खाली में हम लोग आ गए, बहुत अच्छा है। अच्छा किया, अच्छा किया सर, क्योंकि फिर आप जिधर भी जाएंगे लैम रश, लैम रश। तो ये अभी का जो हमारा होटल है ये वाला है, एड्रेस स्काई व्यू। तो ये जा रहा है अपना लगेज। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, एड्रेस स्काई व्यू। भाई साहब, ये जो होटल है ना, बाहर से देखकर ही आइडिया लग गया कि ये होटल कैसा होने वाला है। और ये जिस एरिया में ये होटल है ना, डाउनटाउन, ये मतलब बोल सकते हो दुबई का सबसे मेन एरिया बोल सकते हो। और जितने भी लोग आते हैं इस वाले एरिया में होटल लेना प्रेफर करते हैं डाउनटाउन में। लेकिन यही है, यहाँ पे वो इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, फिर आपको अल करामा जाना पड़ेगा। बाकी हाँ, अभी रूम में चेक इन करके मिलता हूँ मैं। मम्मी पता है तुम जहाँ पे बैठी हो, बुर्ज खलीफा किस साइड में है पता है तुमको? सामने है, पीछे देखो, एकदम बुर्ज खलीफा के पास में ही है। चलो जी, हमें की मिल चुका है अपने रूम का। मे बी जो हमारा फ्लोर है 12th फ्लोर है, 1209 अपना रूम नंबर है। ये क्या,
अंदर तो शॉपिंग मॉल बना रखा है यार इन लोगों ने। तो यही सब होता है, लग्जरी होटल सबका यही होता है, अंदर लगे है कि शॉपिंग मॉल इन्होंने बना रखा है। 12th floor? हम लोग का जो पार्क रेगिस में रूम था वो भी 12th floor में था, और इसमें भी 12th floor में ही मिला है। चलो दिखाते हैं रूम कैसा है। अपना रूम नंबर है 1209। चलो भाई दिखाते हैं कैसा है अपना रूम। खुल गया। ओके ये वॉशरूम है देखो इनका। ओ भाई साहब रूम देखो, रूम 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 कैसा है। कुछ बोल नहीं पा रहे बेटा। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं अपने रूम में चेक इन किया हूँ, और ये जो होटल है ना भाई साहब, अभी तक का मेरा स्टे किया हुआ मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव रूम भी है और सबसे बेस्ट व्यू वाला रूम भी है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस होटल के लिए, मतलब इस रूम के लिए जो कि प्रीमियम स्काई व्यू रूम है, इसके लिए मैंने कितना पे किया, मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से आप लोगों को रूम टूर दे देते हैं, बट सबसे पहले मम्मी से ही पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा। तो मम्मी होटल कैसा लगा तुमको? ये होटल भी अच्छा लगा, व्यू भी बहुत अच्छा है। मम्मी तो अपने जगह पे बैठ गई है, बोल रही है मम्मी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अभी तो दिन का नजारा ऐसा है, रात का नजारा देखेंगे तब और बताएंगे। और सही बता रहा हूँ आप लोगों को, जो रूम से व्यू मिल रहा है ना वो आपको मैं दिखाऊंगा, तब आप भी यही बात बोलोगे कि मोहित भाई मस्त व्यू है। एक काम करता हूँ, जल्दी से आप लोगों को पहले रूम टूर दे देता हूँ। तो ये देख लो, ये हो गया इनका एंट्रेंस। फिलहाल देख लो, रूम में जैसे ही आप एंटर करते हो तो राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये वाला एरिया जहाँ पे मेरा रखा हुआ है लगेज, और ये काइंड ऑफ एक वार्डरोब एरिया हो गया। ये नीचे रखा हुआ है स्लीपर, और इधर ये लॉन्ड्री बैग वगैरह। यहाँ पे एक बैठने के लिए भी दिया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के आराम से तैयार हो सकते हो। और बाकी इधर है हेयर ड्रायर, इस वाले जगह में लॉकर, तो हाँ इसमें जाएगा अपना पासपोर्ट। बाकी मुझे ये वाला एरिया इनका काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो देख लो, सबसे पहले मिनी फ्रिज है, और देख लो सभी चीज के ऊपर सभी का रेट भी लिखा हुआ है। जो भी चीज अगर आप लेते हो तो आपको वो चीज पे करना पड़ेगा। तो ये देखो इनका मिनी फ्रिज भाई, तो ये खाली नहीं है, ये देख लो सब कुछ भरा हुआ है अंदर में, पानी वगैरह भी दे रखे हैं ये लोग। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। अच्छा देख लो, यहाँ पे चाय कॉफी बनाने के लिए सब कुछ कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखा हुआ है। ये क्या है इसमें, पता नहीं भाई, सब कुछ एकदम अलग सा लग रहा है। तो हाँ चाय कॉफी बनाने वाला सारा तामझाम यहाँ पे है। और इसके नीचे क्या है, अच्छा है। अगर आप इसमें से वाइन वगैरह यूज करते हो तो आराम से बैठकर आप पी भी सकते हो, सारा ग्लास वगैरह सब कुछ है। और इधर देख लो स्नैक्स वगैरह है। तो हाँ जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे स्नैक्स का भी ये सब मेन्यू है, जैसे कि आलमंड्स है ना, अगर मैं ये वाला बॉक्स आलमंड्स का लेता हूँ इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा 42 धीरम। यहाँ का एक धीरम इंडिया का 22 रुपया हो जाता है, आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो देख लो ये वाले सेक्शन में ही दिखाने के लिए इतना टाइम लग गया। और रूम के अंदर एंटर करते ही राइट साइड में तो लगेज एरिया है, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मिरर, और फिर जैसे ही आप थोड़ा अंदर आओगे फिर राइट साइड में आपको दिख जाएगा इनका वॉशरूम। देख लो ये इनका वॉशरूम, और यहाँ पे दो दो बेसिन दिया हुआ है। अब ये दो बेसिन देने का क्या मतलब है उतना तो आइडिया नहीं है, हो सकता है दो लोग जब साथ में ब्रश वगैरह करें तो किसी एक के लिए दूसरे को वेट ना करना पड़े, यही रीजन हो सकता है दो दो बेसिन देने का। बाकी क्या रीजन हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी यहाँ देख लो ये सारे टॉयलेटरीज, और ये यहाँ पे शेविंग मिरर, और साइड में भी एक मिरर दिया हुआ है। और यहाँ आपको बाथटब भी मिल जाता है जो कि मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। पहले मैं बाथटब देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता था, मैं इसमें तो मैं 2 घंटे पड़े रहने वाला हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं इसके अंदर जाऊँ। और यहाँ पे देख लो हल्का होने का एरिया है, सही है, ये सब सेपरेट है, ये चीज काफी अच्छा लगा, सब अलग है। तो नहाने का जगह कहाँ है, अच्छा ये बाथटब तो है, तो ये क्या है, अच्छा तो ये हो गया इनका शावर एरिया। यहाँ भी लाइक शैम्पू कंडीशनर शावर जेल सब कुछ दे रखे हैं। तो वॉशरूम भी मुझे इनका काफी सही लगा, काफी बड़ा वॉशरूम है इनका। और बाकी यहाँ से आप थोड़ा आगे आओगे तो ये आ जाता है मेरा रूम। तो ये जो टेबल है मैं बोल सकता हूँ डाइनिंग करने के लिए बेस्ट है, आराम से अपना खाना पीना खा सकते हो, काम वाम भी कर सकते हो, लेकिन यार ऐसे अच्छे होटल में आके काम कौन ही करता है। और इस टाइप का जो चार्जिंग पॉइंट सब है ना यहाँ के मैक्सिमम होटल में मैंने देखा है, जहाँ पे आपका ये इंडियन चार्जर भी सपोर्ट कर लेता है और यहाँ का लोकल है तो वो भी सपोर्ट कर लेगा। बाकी यूएसबी का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और ये अपना बेड जहाँ पे सोकर हम लोग बाहर के नजारे देखने वाले हैं। इनका जो टीवी है ना बहुत ही यूनिक लगा, इस टाइप का टीवी मैंने शायद ही किसी होटल में देखा होगा, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा था। और सबसे यूनिक बात क्या लगा मालूम, इनके टीवी में देख लो, डियर मिस्टर मोहित सिंह थैंक यू फॉर चूजिंग एड्रेस स्काई व्यू। सही बात है यार, ये एक तरह का व्यू पॉइंट ही हो गया। ये व्यू पॉइंट देखने के लिए आदमी सोचते हैं कि भाई कहां से मैं फोटो लूं। मैं आपको दिखाता हूं मेन सीन क्या है। तो हां पहले देख लो ये बेड अपना हो गया, जर कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लो रूम में आपको कुरान भी मिलता है, और वो नीचे बिछाने वाला साथ ये मैट है। तो चलो भाई इसको आराम से बंद कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात देख लो, आपको आईपैड भी मिलता है ताकि आप अपने रूम को बेड पे बैठे बैठे ही कंट्रोल कर पाओ। और ये मेरा रूम है 1209, और मेरा नाम भी लिखा हुआ है देख लो, एड्रेस होटल प्लस रिजॉर्ट मिस्टर मोहित सिंह। और ऐसा सेम चीज ITC रॉयल बंगाल में भी था। और बाकी बहुत कुछ है, आप AC वगैरह को कंट्रोल वगैरह सब कुछ आईपैड से ही कर सकते हो, फूड ऑर्डर या फिर एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन के लिए सब कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। और मम्मी तो यहाँ खड़े होकर तब से नजारे ही देखे जा रही है, आपको भी दिखाऊंगा मैं नजारे। तो ये फिर से देख लो मोहित सिंह, एक बार बोलो मिस्टर मोहित सिंह।
मिस्टर मोहित सिंह। ये सुन के अच्छा लगता है मिस्टर मोहित सिंह, सच बता रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नजारा। तो ये सबसे पहले करते हैं अपने बालकनी को अनलॉक। तो चलो रेडियो आप लोग देखने के लिए बाहर का नजारा। 3, 2, 1 ये देख लो। तो ये रहा मेरा रूम और ये बाहर के नजारे। तो बताओ कैसा लगा बाहर का नजारा। और रात में तो ये जो खूबसूरत लगने वाला है ना, मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ अभी। वो तो मैं आपको रात में दिखाऊंगा ही कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बाकी हमारे बालकनी से ही इतना अच्छा नजारा बुर्ज खलीफा का। भाई देख लो, लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा लोकेशन ढूंढते हैं कहाँ से बुर्ज खलीफा का बेस्ट व्यू है। मेरा जो होटल ही है वहीं से इतना अच्छा नजारा है। तो यही एक रीजन था जो मैंने अपने अटलांटिस वाले होटल को कैंसिल करके ये एड्रेस स्काई व्यू को मैंने चूज किया। इसका मेन रीजन यही था भाई, एकदम सामने है बुर्ज खलीफा हमारे, एकदम सामने है। भाई कितना सारा मूवी का सूट, कितना सारा सॉन्ग, बस टीवी में या फिर यूट्यूब में ही मैंने देखा था। और भाई ये जो मेरा रूम है ना 12th फ्लोर पे है, तो ये बस कुछ टाइम के लिए व्यू पॉइंट में नहीं आई हूँ मम्मी, रात भर यहीं रहना है। तो जब मन करे तब देखते रहना बुर्ज खलीफा को। दिन में तो इतना अच्छा लग रहा, सोच रहे रात में इसका लाइटिंग। रात में तो अलग ही लगेगा, वो तो रात में आपको मैं दिखाऊंगा ही कैसा लगेगा कैसा नहीं। और ये इनका पूल एरिया भी है यहाँ पे। और मम्मी यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट देखे जा रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग मम्मी तुम्हारे सामने। रात में तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते रात में क्या व्यू देखने वाला है यहाँ से। मम्मी का पैर जल रहा था तो देख लो मम्मी मेरा क्रॉक्स पहन रही है, मैं सॉक्स पहन रही हूँ। मेरे इस एड्रेस स्काई व्यू का रूम टूर अच्छा लगा हो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक का मेरा स्टे किया हुआ ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है, वन ऑफ द नहीं बोलूंगा मैं, सबसे बेस्ट होटल अभी तक का यही है। वैसे मैं बता दूं बुर्ज खलीफा के अंदर ना अरमानी होटल भी है, लेकिन मेरे को लगता है वो सब होटल में रहने से अच्छा है आप इस टाइप के होटल में रहो। वहां से तो आपको सिटी व्यू मिलेगा, लेकिन ये सब होटल से आपको ये बुर्ज खलीफा का व्यू मिलेगा। वैसे अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, एडिट भी करना है वीडियो वो भी कर लेते हैं, फिर शाम का क्या नजारा रहेगा क्या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं आसपास में घूमने का भी प्लान है, जो भी होगा जैसा भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा ही। फिलहाल अंदर जाते हैं, बहुत गर्मी है बाहर। रूम में जैसे ही मैं चेक इन किया, रेस्ट वेस्ट करना तो छोड़ो, एडिटिंग पे लग गया हूँ मैं अभी। यहाँ मैं एंटरटेनमेंट में आया तो मुझे देख लो यहाँ पे वेब रेडियो, यूट्यूब, गेस्ट मीडिया, नेटफ्लिक्स बहुत कुछ दिख गया। तो यूट्यूब में जब मैंने मोइन साइड इट सर्च किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया है और वो चीज वहाँ पे चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर प्ले करूंगा वहाँ प्ले हो रहा है वीडियो। सब कुछ आप अपने बेड से ही कंट्रोल कर पाओगे। ये देखो बुर्ज खलीफा जो अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी पे वो सामने ही है हमारे। तो मम्मी तो मस्त अपना नींद में सो गई है और अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बाहर के नजारे। और ये देख लो काफी बढ़िया सा सनसेट हो गया है। और एक काम करता हूँ मैं अपना गोप्रो लेकर आ गया हूँ, तो आप लोग एक काम करो यहाँ पे मैं एक टाइम लैप्स लगा देता हूँ, वो एंजॉय करो। देख लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाहर का नजारा दिखाया था और मम्मी को देख लो अभी भी अंदर बैठ के मोबाइल चला रही है अपना। बाहर काफी देर बैठी थी मम्मी और देख लो बाहर के ये नजारे। ये जो है ना इसको जितना बार देखो मन नहीं भरता। तो मुझे याद है मैं लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में आप लोगों को वो जो हमारे श्री भूमि में बना था ना बुर्ज खलीफा का पैंडल, तो वो फेक वाला बुर्ज खलीफा दिखाया था। और मुझे नहीं पता था कि उसके ठीक एक साल बाद मैं आप लोगों को रियल वाला बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा जो कि एकदम मेरे पीछे ही है। बस टाइम टाइम का बात है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ होप हमेशा रखो, खुद पे बिलीव रखो, बाकी देखना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो अभी जस्ट मैं अपने रूम से बाहर आया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा आसपास मॉल वगैरह घूम लूँ मैं। हाँ जी, तो लिफ्ट में ही ऑप्शन था वन क्लिक करने के लिए जो डायरेक्टली मेरे को दुबई मॉल एंड मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाएगा। ये वाला एरो तो दिखा रहा है, देखो कितना दूर है यहाँ से। भाई ये अंदर ही अंदर सब जगह से कनेक्टेड है। पहला ऐसा होटल देख रहा हूँ मैं जो मेट्रो एंड दुबई मॉल दोनों से कनेक्टेड है। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट होटल है, बेस्ट। तो ये देख लो ऐसा टाइप बना हुआ है, जैसे इस साइड लॉबी है और इस वाले साइड दुबई मॉल एंड मेट्रो, स्पा, जिम, पूल, किड्स क्लब सब कुछ इधर है। तो मुझे जाना है दुबई मॉल, तो चलते हैं सीधे। हर जगह ऐसा एरो बना हुआ है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखो दुबई मॉल, मेट्रो, स्पा इस साइड। देखो मेरा होटल इस वाले साइड में और मुझे देखना है मॉल वाला रास्ता कौन सा जाता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन तो ये वाला है। तो जैसा कि मुझे लग रहा था एग्जैक्टली वही बात है। और ये देखते ही देखते बस पहुंच गया मैं दुबई मॉल। और देख लो भाई सबसे पहले किसका शोरूम दिखा है,
पराठा। ये भाई सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा। देख लो अपने होटल के अंदर ही अंदर से, मतलब मेरे को गर्मी में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, अंदर ही अंदर देख लो एयर कंडीशन के अंदर ही अंदर मैं दुबई मॉल में भी एंट्री करने वाला हूँ। मेरा यहाँ से होटल 400-500 मीटर होगा। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ दुबई मॉल के अंदर और मैं इस वाले जगह से आया। देख लो दुबई मेट्रो, यहाँ से स्ट्रेट चले जाओगे आ जाएगा मेरा होटल। ये काफी सही है यार, मतलब मेरे को बाहर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा और मेरे को ना मतलब वो एक वाइब्स आ रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ मेरा खर्च होने वाला, कुछ ऐसा चीज मेरे नजर में पड़ेगा जो मेरे को बहुत दिन से चाहिए था, दिख जाएगा तो बस दिक्कत हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा ना दिखे, क्योंकि यार बार बार मौका भी नहीं मिलेगा दुबई मॉल आने का, कब आएंगे कब नहीं। सामने में ही देखो सोनी का कितना बड़ा शोरूम है, PS5 भाई मेरे को सामने दिख रहा है, वहाँ पे लगा हुआ है, स्टॉक में भी है। दुबई मॉल मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 3-4 दिन चाहिए, मैं एक एक चीज अच्छे से जाके देखूं, कुछ अगर पसंद आए तो लूं मैं। और वैसे मम्मी को लेकर आता मैं, लेकिन कल इधर आना है बुर्ज खलीफा, इसलिए मैं मम्मी को बोला तुम घर पे रहो, मैं आ जाता हूँ घूमकर कुछ खाने पीने का लेकर आ जाऊंगा। मैं होटल से कौन ही भाई इतना महंगा खाएगा, सुबह बस फ्री का जो ब्रेकफास्ट बुफे होगा वो खा लेंगे। और मेरे को लग रहा था कि हाँ चलो ऐसे घूमते घूमते घूम लूंगा मैं, और एक स्टोर में मैं आया, पीछे देख लो यहाँ पे नाइकी का शोरूम है, इसके अंदर मैं आया, उसके दूसरे गेट से मैं निकला और ये अलग ही जगह में पहुंच गया। यहाँ पे अलग ही मॉल बसा हुआ है भाई, नीचे में यहाँ पे मुझे दिखा वर्साचे का शोरूम। भाई किसी ने सही कहा है दुबई मॉल आप एक दिन में नहीं घूम पाओगे। अच्छा तो मॉल के अंदर घूमते घूमते मुझे पता चला कि ये वाला जो पार्ट है दुबई मॉल के अंदर है। मैं सोच रहा था ये दुबई में कहीं जो फाउंटेन होता है ना उसके आसपास में है, लेकिन ये नहीं पता था कि दुबई मॉल के अंदर में। मस्त लग रहा है लेकिन यार। तो अभी मैं इनके फूड कोर्ट में आया ना, तो मुझे यहाँ पे पिज्जा हट दिखा, KFC भी दिखा और ये वेंडीज दिखा जिसका मैं बहुत नाम सुना हूँ लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। तो यही देख लो यहाँ का एक कॉम्बो ले लिया मैंने, बर्गर कॉम्बो, एक चिकन बर्गर मैंने यहाँ का लिया स्पाइसी चिकन। इन सब का टोटल हुआ है 31 AED, अराउंड 600 रुपए के ऊपर ही हुआ होगा। तो देख लो ये लगभग 700 रुपए का बर्गर है, बहुत महंगा, एक बर्गर के लिए बस 700 रुपए। फ्राइज भी है साथ में, लेकिन फिर भी यार महंगा है, महंगा है। अगर आप दुबई के किसी मॉल में या फिर अच्छी जगह खाना खा रहे हो ना तो बहुत महंगा। तो कुछ ये बर्गर है इनका देख लो, अंदर में मेयोनीज के अलावा कुछ है ही नहीं। बर्गर इनका ट्राई कर लेता हूँ, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा रूम में जाकर कैसा लगा कैसा नहीं। वैसे फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ इनका बर्गर। तो देख लो ये मम्मी के लिए और खुद के लिए मैंने खाना पैक करवा लिया है, मैं एक एक्स्ट्रा की लेकर गया था, अभी बेल बजाऊंगा तो मम्मी को उठ कर आना पड़ेगा। तो देख लो मम्मी मस्त अपने रूम में बैठ के वीडियो देख रही है। रात में वो जो मैं डिनर लेकर आया था वो खाने के बाद मेरा हो गया बत्ती गुल, मैं चला गया सोने के लिए और मम्मी भी वो बीकानेर वाले का थाली खाई। बाय द वे मैं शायद आप लोगों को बताया नहीं, मैं मम्मी के लिए बीकानेर वाले का थाली लाया था, मम्मी को वेज खाना खाना था, मम्मी बता रही थी मम्मी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने अपने लिए सबवे से वो टेरियाकी सब ले लिया था, तो वो खाकर मेरा पेट भर गया। फिलहाल मैं अभी नहाकर हो गया हूँ, मैं रेडी, अभी जाना है जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए। लैपटॉप लेकर तो बैठा था मैं रात में एडिटिंग के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अभी दिखाता हूँ आपको बाहर के नजारे, तो ये देख लो। तो एक काम करते हैं बाहर कुछ एक दो फोटोज वगैरह लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। तो नहाकर मैं हो गया हूँ रेडी, अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं लॉबी में जाना होगा हमें, और एक चीज देखो यहाँ पे इमरजेंसी नंबर सब दिया हुआ है, हमें जाना है लॉबी में, देखना इनका रेस्टोरेंट किस वाले साइड में है, ल्यूसिया रेस्टोरेंट में भी यही होगा। अभी मैं इनके लॉबी में हूँ और लॉबी पूरा खाली है, सर ये गलत वाले साइड में हूँ क्या? अच्छा तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो एकदम एंड में हो रहा है, तो जहाँ हमारा ब्रेकफास्ट होगा उसका नाम है द रेस्टोरेंट। और ये देख लो अगर आपको कुछ खरीदना वरीदना है तो। अच्छा ये हो गया इनका लॉबी, और भाई क्या खूबसूरत लग रहा है ये होटल, और ये इनका पूल एरिया है देख लो। तो अभी मैं आ गया हूँ द रेस्टोरेंट में, मतलब इनका इनका ब्रेकफास्ट बुफे एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, और भाई साहब ब्रेकफास्ट बुफे में ऑप्शन देख लो कितना सारा है, बहुत सारा ऑप्शन है, पूरा वहाँ से स्टार्ट है और ये एंड है यहाँ पे। और टेबल पे भी मेन्यू दे रखा है उन लोगों ने, कुछ ऑर्डर करना है तो वहाँ से ही मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल देख लेता हूँ मैं यहाँ से क्या क्या मुझे लेना है, फिर टेबल पे ले जाके दिखाता हूँ मैं। देख लो मैंने इतना कुछ ले लिया है, अभी भी ये वाला सेक्शन बाकी है। वो चिकन सॉसेजेस है चाहिए, मशरूम, तो ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं चना मसाला है। तो मम्मी यहाँ पे मेरे को लेकर आई है, बोल रही है कि जितना वेज आइटम है मेरे को बता दो। मम्मी को कंफ्यूजन हो जा रहा है, और ऐसे ये रखा भी हुआ है ना तो किसी को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। मोमो लेना है, वेजिटेबल मोमो, वेज वाला है। तो ये मम्मी को दे देते हैं वेजिटेबल मोमो। तो देख लो ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट, कैसा लग रहा है मम्मी?
ये आलू का टिक्की बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। अभी हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करके, और ब्रेकफास्ट का जैसा कि मैंने बताया आपको ऑप्शन कम था, लेकिन खाना टेस्टी बहुत था उनका। उनका सबसे अच्छा मुझे वो हैश ब्राउन लगा, साथ ही ऑमलेट। उन लोगों ने जो ऑमलेट भी बना के दिया था ना, मसाला ऑमलेट, भाई एक नंबर था। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो गया है। अभी हम लोग का प्लान है यहाँ से जाने के लिए बुर्ज खलीफा, और उसके बीच में हमारे यहाँ के एक सब्सक्राइबर है, वो भी आया मिलने के लिए, तो वो बता रहे थे आसपास में घूमेंगे, वो आसपास में हमें घुमा देंगे, तो वो भी एक सीन है। और बताओ मम्मी तुमको ये होटल में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा इस होटल का? सबसे अच्छा तो यहाँ का शानदार होटल। हाँ, उस पर से इसका सर्विस भी उतना अच्छा, नाश्ता भी करने गए उतना ही अच्छा, और यहाँ का व्यू। मेरे से आप पूछोगे इस होटल का सबसे अच्छा, अगर आप कहीं नहीं भी जाएं घूमने तो यहाँ से बैठ के सारा नजारा देख सकते हो आप। एग्जैक्टली ये रूम में आप स्टे करने का सोच रहे हो ना, तो दो दिन आकर आराम से बस आराम करो। रात को तो और अच्छा नजारा, रात को तो खैर वो तो अलग ही लगता है कि अलग ही दुनिया में आप आ गए हो। और जाने से पहले एक और बार देख लो बाहर के नजारे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये स्काई वॉक हमारे होटल से कनेक्टेड है, और यही चला जाता है डायरेक्टली दुबई मॉल। और वो जो आप पार्ट देख रहे हो पूरा दुबई मॉल है। ये मेरे को सबसे खास बात लगा इस होटल का, और यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे दो तीन एड्रेस होटल है। वो जो सामने में देख रहे हो ना, एक तो ये है सामने में, अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, एक ताज का भी प्रॉपर्टी है। लोकेशन भाई मेरे को इसका सबसे कमाल का लगा। चलो आप कर देते हैं ये वाले वीडियो को एंड। वैसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी टाइम हो गया ये वाले होटल को चेकआउट करने का। आने वाला व्लॉग सब बिल्कुल भी मिस मत करना। हाँ, अगर आप अच्छे होटल का लोकेशन ढूंढ रहे हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वन नाइट के लिए बेस्ट है ये होटल। अदरवाइज जो मैं पार्क रेगिस में था वो भी अराउंड 5-5.5 हजार के रेट में आपको अच्छा होटल वहाँ भी मिल जाएगा, तो वो भी काफी सही होटल लगा था मुझे पार्क रेगिस भी। और ये तो खैर है ही कमाल का। तो चलो एक काम करते हैं, ये वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।